उधर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीजेपी को बाबू सिंह कुशवाहा ने पैसों से खरीद लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी में जाने से पहले बाबू सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस दफ्तर के चक्कर लगाए, उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें बचा लिया जाए। और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि कुशवाहा को जेल जाना ही होगा। राहुल गांधी गोरखपुर में एक रैली में बोल रहे थे। दो तीन दिन पहले किसको लिया अपनी पार्टी में? क्या नाम है उनका, फिर से बोलना, ये है कौन? यूपी का भ्रष्टाचार की जो रेस चल रही है यूपी में, उसमें वो दूसरी तीसरी पोजीशन पे है। दिल्ली के चक्कर काटे उसने, कांग्रेस पार्टी के पास आए और क्या कहा उन्होंने कि आप हमें पार्टी में लीजिए और हमें बचाइए। और हमने उनसे कहा भैया आपको हम नहीं बचाएंगे, आप जाओगे अंदर। NDTV's क्रिकेट ऐप, एंड्रॉइड एंड आईफोन, फास्टेस्ट स्कोर कार्ड, स्पेशल एनालिसिस एंड मच मोर। डाउनलोड फ्री NDTV.com/apps।